कर्नाटक और महाराष्ट्र में भाजपा के हाथों करारी हार झेलने के बाद मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ सरकार के लिए संकट खड़ा होता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के युवा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश में भाजपा का हथियार बनते दिखाई दे रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा अपने ट्विटर हैंडल में राजनीतिक संदर्भ हटाने के बाद दिल्ली से भोपाल तक राजनीतिक पंडितों के कान खड़े हो गए हैं। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस संबंध में अपनी सफाई दे दी है, लेकिन राजनीतिक अटकलबाजियों का डोर थमने का नाम नहीं ले रहा। दोस्तों, आज हम ज्योतिरादित्य सिंधिया की भाजपा से बढ़ती नजदीकियों के राजनीतिक मायने तलाश करने की कोशिश करेंगे। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। ज्योतिरादित्य सिंधिया के संबंध में दो शब्द भी कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दें। चलो अब शुरू करते हैं। युवा कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया की पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई थी। इसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने ट्विटर हैंडल से पूर्व सांसद और पूर्व मंत्री जैसे राजनीतिक परिचय हटा दिए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया अब ट्विटर पर जनता के सेवक और क्रिकेट प्रेमी के रूप में पहचाने जा रहे हैं। ट्विटर हैंडल पर इस परिवर्तन को ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र मोदी की मुलाकात से जोड़कर निकट भविष्य में मध्य प्रदेश की राजनीति में बड़ी उठापटक का संकेत माना जा रहा है। पिछले वर्ष विधानसभा चुनाव में कांग्रेस मुश्किल से बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के सहयोग से मध्य प्रदेश में बहुमत जुटा पाई थी। विधानसभा का चुनाव ज्योतिरादित्य सिंधिया को आगे करके लड़ा गया था, लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने कमलनाथ की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर ताजपोशी कर दी। उसके बाद से ही ज्योतिरादित्य सिंधिया बाकी तेवर अपनाए हुए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया की मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की खबरें भी मीडिया में आती रही है। किसानों की कर्ज माफी के वायदे, बाढ़ पीड़ितों के मुआवजे और बिजली की कटौती के मुद्दे पर ज्योतिरादित्य सिंधिया कमलनाथ सरकार को आईना दिखा चुके हैं। दरअसल मध्य प्रदेश की राजनीति के सभी बड़े कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ एक हो गए हैं। कमलनाथ सरकार पर दिग्विजय सिंह की इतनी गहरी पकड़ है कि उनको सुपर सीएम कहा जाने लगा है। ताजा विवाद मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के पद को लेकर शुरू हुआ है। सिंधिया समर्थक ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का पद देने की मांग कर रहे हैं, लेकिन कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जोड़ी इस पद के लिए अजय सिंह का नाम आगे कर रही है। अजय सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिवंगत अर्जुन सिंह के पुत्र हैं। आइए अब जरा मध्य प्रदेश विधानसभा के आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं। झबुआ उपचुनाव में जीत के बाद कमलनाथ सरकार के समर्थक विधायकों की गिनती 115 तक पहुंच गई है। भाजपा के विधानसभा में 107 सदस्य हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक विधायकों का नंबर 15 से 30 के बीच माना जा रहा है। ऐसे में अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा का दामन थाम लेते हैं तो मध्य प्रदेश में कमल खिलने में कोई देर नहीं लगेगी। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी सफाई पेश कर चुके हैं। नरेंद्र मोदी से अपनी मुलाकात को ज्योतिरादित्य ने बाढ़ पीड़ितों के लिए बताया था। ट्विटर पर अपने परिचय को बदलने से उठे विवाद को भी ज्योतिरादित्य गैर जरूरी बता चुके हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर राजघराने से संबंध रखने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया इस समय राजनीति के हाशिए पर हैं। हरियाणा के अशोक तंवर, राजस्थान के सचिन पायलट और पंजाब के नवजोत सिद्धू की तरह ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी राहुल गांधी के करीब माना जाता है। सिंधिया खानदान के भाजपा से भी करीबी रिश्ते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया की दादी विजय राजे सिंधिया भाजपा की बड़ी नेता थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया की भुआ वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान भाजपा का बड़ा चेहरा है। ऐसे में अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भगवा ध्वज उठाने की सोच ले तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।